में हम लोगों को टॉपिक करना है बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो टॉपिक या जो विषय करना है बच्चे वो है सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत, ठीक है, जिसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज भी बोलते हैं। आई पास समझ में? ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज बोली जाती है, सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत। और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज है बच्चे या सामाजिक रचनात्मक जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं या फाउंडर जो हैं बच्चे वो एलेक्जेंडर वेंड हैं बच्चे, ये नाम तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। एलेक्जेंडर वेंड जो हैं उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज का कंसेप्ट दिया था। सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज जो है वो गिवेन बाय एलेक्जेंडर वेंड हैं बच्चे, ठीक है। और उनकी एक बुक है एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान में रखना। एक तो इनका नाम ध्यान में रखना है और दूसरी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है रचना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब जो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज है वो उसका इंटरनेशनल रिलेशंस में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो अपनी थ्योरी को किस प्रकार से प्रेजेंट करता है ये हमें समझना होता है बच्चे। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज है उसका मानना है कि जो राज्य और जो सरकारें होती हैं बच्चे ये मानव निर्मित संस्थाएं हैं। जो राज्य या सरकार जैसी जो चीजें हैं बच्चे ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित संस्थाएं हैं, इनका निर्माण मानव ने किया है बच्चे। तो मानव के द्वारा जो इनका निर्माण किया गया है बच्चे, तो अगर राज्य और सरकार के बीच में अगर किसी प्रकार का संघर्ष है बच्चे, तो उस संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण से किया जा सकता है, शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है बच्चे, ऐसा सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज मानती है। वो इस आधार पे बोलती है कि शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष को कम किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि मानव ने ही बच्चे राज्य का निर्माण किया है, यानी मानव ने ही राज्य को निर्मित किया है और मानव ने ही सरकार को निर्मित किया है बच्चे। तो अगर मानव के विचारों से राज्य और सरकार का निर्माण हो रहा है बच्चे, तो मानव के विचारों के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बच्चे क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज मानती है बच्चे। आई बात समझ में? अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि पहला पहला ऐसा कौन वेस्टर्न फिलोसफर है बच्चे जिसने राज्य को मानव निर्मित संस्था बोला था, ऐसा कौन सा वेस्टर्न फिलोसफर है बच्चे जिसने राज्य को मानव निर्मित संस्था माना है, हाँ मानव निर्मित, जिसने पहले बोला कि जो राज्य है उसका कहीं ना कहीं मानव ने एक प्रकार से क्या किया है, निर्माण किया है, ठीक है, मानव निर्मित वो संस्थाएं हैं, समाज भी मानव निर्मित संस्था है, राज्य भी मानव निर्मित संस्था है। तो ये सबसे पहले किस वेस्टर्न फिलोसफर के फिलोसफी में हमने देखा था या पढ़ा है, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा वेस्टर्न थिंकर है जो ये मानता है कि राज्य जो है वो एक मानव निर्मित संस्था है, या फिर जो ये मानता है कि राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस है। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन से बहुत सारे विचारकों में कौन सा, अब ऑप्शन में तो बहुत सारे लिखा नहीं होगा, अब विचारक के नाम तुमसे मैंने, तुम लोगों से बेंथम ने भी बोला है और किसने बोला है, और मैंने पूछा था कि सबसे पहले किसने बोला है, क्यों ये तो बेंथम, उससे पहले ये बात किसने बोली है? चलो तुम पढ़ते नहीं हो इसका मतलब घर पे बच्चे, ठीक है, पढ़ रहे होते तो फिर इसका जवाब होता। सबसे पहले राज्य मानव निर्मित संस्था है, ये हॉब्स ने बोला था, ठीक है, राज्य जो है वो मानव निर्मित संस्था है और ये सबसे पहले हॉब्स के हमने विचारों में देखा था, और उसी ने बोला था कि स्टेट इज अ मैकेनिकल, यानी स्टेट जो है वो एक मशीन की तरह से, जैसे मशीन का निर्माण करते हैं, मशीन बनाते हैं ना हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसी तरह से हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण किया है बच्चे। सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज के जो स्कॉलर हैं एलेक्जेंडर विंड जो हैं वो भी मानते हैं कि जो राज्य एवं जो सरकार जैसी संस्थाएं हैं बच्चे,
ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित हैं, और सरकार में भी एक प्रकार से क्या होता है, संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को हम शांतिपूर्ण संबंधों में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, क्योंकि मानव ने इन चीजों का निर्माण किया है। बच्चे आई बात समझ में? हाँ नहीं, संरचना बोल लो या रचनात्मक बोल लो कोई अंतर नहीं है। संरचना का मतलब ही संरचना कंस्ट्रक्शन ही होता है, इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही मीनिंग लिखी जाती है। कंस्ट्रक्टिव मतलब एक इन्होंने एक थ्योरी दी है कि जैसे सामाजिक जो रचना है, समाज का जो निर्माण है, वो कहीं ना कहीं मानव के द्वारा किया जाता है। मानव के दिमाग में एक विचार आता है कि मुझे समाज का निर्माण करना चाहिए, मानव के दिमाग में एक विचार आता है कि मुझे एक राज्य का निर्माण करना चाहिए, मानव के दिमाग में एक विचार आता है कि मुझे सरकार का निर्माण करना चाहिए। यानी ये लोग मानते हैं कि राज्य, सरकार, समाज कहीं ना कहीं विकास विकास का परिणाम नहीं है, विचारों का परिणाम है। विचार के वजह से, ये एक प्रकार के विचार है। समाज तुम्हें भौतिक रूप में नहीं दिखेगा बच्चे, समाज जो है वो भौतिक रूप में नहीं दिखता है, ठीक है? हम बोलते हैं कि हम समाज में रहते हैं, मैं बोलूंगा कि कौन से समाज में रहते हो, उस समाज को दिखाओ। तो तुम बोलते हो कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, तो वो मोहल्ला कहीं ना कहीं मुझे भौतिक रूप में दिखता है, वो समाज नहीं दिखेगा। वो राजनीति जो है बच्चे एक विचार है। और इसी तरह से ये लोग मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, विचार है, सिर्फ विचार है। विचार के अलावा ये भौतिक रूप में नहीं है, जिसको तुम छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, ऐसी चीजें नहीं होती हैं बच्चे। आई बस समझ में? एक प्रकार के लोग क्या मानते हैं कि विचार है। और नीचे बता रहा है बच्चे कि रचनात्मक सिद्धांतकारों के अनुसार कोई बाह्य वस्तुगत एवं सामाजिक यथार्थ नहीं होता है। सामाजिक और राजनीतिक विश्व भौतिक नहीं है, बल्कि मानवीय चेतना का विषय है। बच्चे जो समाज होता है, जो राजनीति होती है, जो विश्व है, तो जो विश्व है बच्चे वो भौतिक थोड़ी है, वो एक मानवीय चेतना का परिणाम है बच्चे। वो कहीं ना कहीं मानवीय चेतना में, कि हम विश्व में, हम भारत में रहते हैं। अब मैं बोलूं कि भारत दिखाओ, तो तुम मुझे भारत दिखा पाओगे? भारत नहीं दिखा पाओगे। भारत के राज्यों को कहीं ना कहीं क्या करोगे, तुम मुझे दिखा दोगे बच्चे, ठीक है ना? सरकार को कहीं तुम दिखा सकते हो कि देखिए ये हमारी गवर्नमेंट है, तो मैं अच्छा ठीक है चलो ठीक है, लेकिन वो भी एक प्रकार का विचार है। मैं कहूँ सरकार दिखाओ, सरकार कहाँ पे है? तो तुम बोलते हो कि सरकार का, जब मैं पूछूंगी तो सरकार मुझे दिखाओ, तो तुम सरकार मुझे नहीं दिखा सकते। हाँ, सरकार के लिए काम करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें तुम मुझे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो सरकार अपने आप में क्या हो गया, विचार हो गया बच्चे। राज्य अपने आप में क्या है, विचार है, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है बच्चे, वो भी अपने आप में एक प्रकार से क्या माना जाता है, विचार माना जाता है। तो ये मानवीय चेतना, मानवीय चेतना का मतलब ये सारी चीजें, समाज, राज्य, सरकार, नागरिक समाज, ये सारे कहीं ना कहीं जो चीजें हम बोलते हैं और जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, ये बच्चे कहीं ना कहीं मानवीय चेतना के वजह से हैं बच्चे। यानी तुम्हारे चेतना का एक निर्माण हुआ, तुम्हारे चेतना का विकास हुआ, और तुमने कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज जैसी चीजों की क्या कर दी, स्थापना कर दी बच्चे, ठीक है? इसीलिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम है बच्चे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सौर मंडल की भांति स्वतंत्र रूप में अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि इसका अस्तित्व लोगों की परस्पर चेतना के परिणाम स्वरूप है। जैसे सौर मंडल का भौतिक अस्तित्व है, पृथ्वी है, पृथ्वी से रिलेटेड ग्रह है, उनका एक भौतिक अस्तित्व है, लेकिन मैं ये बोलूं बच्चे कि तुम मुझे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था दिखाओ, तो तुम कहोगे यार ये कैसे मैं दिखा सकता हूं? तो वही बोला जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है बच्चे, वो कहीं ना कहीं एक चेतना का परिणाम है। हम बोलते हैं कि एक हम व्यवस्था के अंदर हम लोग रहते हैं, और उस व्यवस्था के द्वारा कुछ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और उस व्यवस्था के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है बच्चे, वो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज के अकॉर्डिंग एक चेतना का परिणाम है, न कि उसका कोई भौतिक स्वरूप है। तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खोजोगे कि कहाँ पे होता है, वो दिखेगा कि दो देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो से अधिक देश बातचीत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये चीजें दिखेगी। लेकिन जिस तरह से सौरमंडल में हमें ग्रह दिखते हैं बच्चे, उस तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था वास्तविक रूप में हमें नहीं दिखता है, भौतिक रूप में नहीं दिखता। ये सिर्फ हमारे एक चेतना में है कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में रहते हैं। आई बात समझ में?
तो कहीं ना कहीं ये चेतना का परिणाम है बच्चे, ठीक है, एक चेतना है। आई बस ये भौतिक अस्तित्व नहीं, ये किसने बोला था, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज में बच्चे, ठीक है, ये सारी चीजें चेतना है, एक विचार है। प्लेटो में भी पढ़ोगे तो वो क्या बोलता है कि जैसे विश्व जो है वो एक तो दो तरह के विश्व होते हैं, एक विश्व होता है जो भौतिक पदार्थों से निर्मित होता है और एक विश्व जो है वो विचारों से निर्मित होता है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी वाले बोलते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो एक विचार है, वो कोई भौतिक अवस्था नहीं है बच्चे। आई बात समझ में, क्योंकि वो दिखेगा नहीं तुम्हें, भौतिक रूप में दिखेगा नहीं। जैसे पानी का बोतल, जब तुम पानी जो है बच्चे वो भौतिक रूप में दिखता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मुझे दिखती थोड़ी है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को हम लोग क्या मानेंगे, ये परस्पर एक चेतना का क्या है बच्चे, परिणाम है। और अगले जब पेज पे आओगे बच्चे, तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मानव का वैचारिक और बौद्धिक निर्माण है। मानव का जैसे ही बुद्धि का विकास हुआ बच्चे, और जैसे ही मानव में वैचारिक शक्तियों का विकास हुआ, वैसे ही मानव ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाई। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हम क्यों बनाते हैं बच्चे, मानव की सुख सुविधा के लिए, मानव के कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए, मानव के जो मानव के बीच में जो संघर्ष होते हैं उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है बच्चे, वो कहीं ना कहीं मानवीय प्रयासों के द्वारा एक प्रकार से क्या है, निर्मित है। मानवीय प्रयासों के द्वारा क्या किया गया, इनका निर्माण किया गया। और ये कहीं ना कहीं जो चीजें निर्मित हैं बच्चे, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं, ठीक है, अमूर्त रूप में, वो तुम्हें दिखेंगी नहीं, ये कहीं ना कहीं एक विचारों के वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विचारों के वजह से समाज, राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं का निर्माण होता है, तो अगर इसमें संघर्ष अगर होगा बच्चे, तो विचारों के वजह से होगा, तो क्यों नहीं हम विचारों को परिवर्तित करके संघर्ष को रोक नहीं सकते हैं। अगर झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में बच्चे, तो क्यों हो जाता है, झगड़ा विचारों के वजह से होता है या भौतिक पदार्थों के वजह से होता है। तो तुम तो बोल सकते हो कि हो सकता है सर भौतिक पदार्थ भी कारण होते हैं झगड़े के, सिर्फ विचार ही नहीं। लेकिन अधिकतम जो झगड़े देखे जाते हैं बच्चे, वो भौतिक पदार्थ तो द्वितीय स्तर पे होता है, पहले झगड़ा हो जाएगा विचारों को ही लेकर। तुम जो अपना एक दोस्तों तुम अपना एक दोस्तों का समूह बनाते हो, तुम अपने दोस्त का एक ग्रुप बनाते हो ना तुम लोग जिसमें हो, तो उसमें क्या होता है, जो एक जैसे विचार रखने वाले लोग होते हैं उनकी दोस्ती बहुत समय तक क्या होती है, चलती है। लेकिन जैसे ही अलग अलग विचार हैं, एक विपरीत विचार के लोग होते हैं, तो उनके बीच में क्या होने लगता है बच्चे, एक प्रकार का फूट आने लगती है, एक संघर्ष पैदा होने लगता है। लेकिन एक्चुअली सेम विचारों वाले के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा वैसे तो। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल कोई नहीं, वहां पे जैसे नाटो के मान लो कि नाटो जो है, तुमने जैसे नाटो कई तुमने मिला दिए, जैसे तुमने नाटो का एग्जाम एक ले लेते हैं, जैसे नाटो में सारे के सारे पूंजीवादी देशों का एक सैनिक, ठीक है ना, सैनिक एक संगठन है वो। नाटो जो है वो सैन्य संगठन है बच्चे, नाटो जो है वो एक क्या है, सैन्य संगठन है। और उस सैन्य संगठन में कौन से देश आते हैं, तो जो यूरोपीय देश हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन उस सैन्य संगठन में तब विवाद पैदा होता है बच्चे, जब कोई देश, एक्चुअली उस संगठन को चलाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक देश पूंजी सभी देशों के लिए निश्चित पूंजी तय की गई होगी, अब एक देश क्या कर रहा है, जितनी पूंजी तय की गई है उस संगठन को देने के लिए, वो अपनी पूंजी नहीं दे रहा है, और एक दूसरा देश जो है वो पूंजी क्या कर रहा है, ज्यादा दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो ज्यादा पूंजी देता है वो चाहेगा कि मुझे ज्यादा मदद प्राप्त हो, जो कम दे रहा है वो अगर ये बोले कि मुझे भी उतना ही मदद इस सैन्य संगठन से प्राप्त होना चाहिए जो ज्यादा दे रहा है, तो वहां पे एक प्रकार का विवाद हो जाएगा बच्चे। लेकिन जो नाटो है बच्चे ना, उसमें पूंजीवाद को लेकर विवाद नहीं है। नाटो में जो झगड़ा है वो अपने अपने डोनेशंस को लेकर एक प्रकार की समस्या खड़ा कर दी थी। जैसे अमेरिका ने जर्मनी के ऊपर आरोप लगाया कि तुम लोग जो है भाई नाटो के अंदर क्या करते हो, कम अपना कंट्रीब्यूशंस देते हो, तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशंस है वो क्या है, बहुत कम है।
ठीक है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशंस क्या है, कम है। अमेरिका ने बोला हमारा मेरा कंट्रीब्यूशंस क्या है, ज्यादा है, तो नाटो का उपयोग भी मैं ही ज्यादा बेहतर तरीके से करूं तो ये अच्छा है। तो बाकी देशों ने उसका क्या किया, एक प्रकार से विरोध किया बच्चे। अब एक एग्जाम्पल ये मैंने दे दिया, दूसरा हेलो हाँ बच्चे एक मिनट ठीक है। तो हेलो बच्चे कहाँ रह जाते हो, हेलो आवाज आ रही है। अच्छा नहीं तो तुमने फोन डाल दिया कभी रिकॉर्डिंग पे, चलो कोई नहीं ठीक है। तो आवाज आ रही है मेरी बच्चे, आप लोगों को आ रही है ना बच्चे। तो मैंने हम लोग बात कर रहे थे सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज में, सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत में, जो एलेक्जेंडर विंड ने दिया था। तो जैसे राजकमल बोल रहा था कि सेम विचार वालों के बीच में एक प्रकार का विवाद होगा, कभी नहीं होगा बच्चे। विचार अगर सेम है, बीच नहीं है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आप जैसे सोवियत संघ और हंगरी वाला जो विवाद हुआ था, और हंगरी के लोगों ने जो विरोध किया था, वो इसलिए किया था बच्चे कि साम्यवादी विचारधारा के अनुसार जितना विकास हंगरी का होना चाहिए नहीं हुआ, गरीबी जैसी चीजें बहुत पनपी वहां पर, उत्पन्न हुई, बेरोजगारी जैसी चीजें ना तो उत्पन्न हुई। तो विचारधारा सेम है, लेकिन उस विचारधारा में आप क्या बोल रहे हैं कि मैं आपका विकास करूंगा, आपका कल्याण करूंगा बच्चे। तो मैंने तभी आपको सहमति दी थी कि आप मेरा कल्याण करेंगे, लेकिन जब वास्तविक रूप में जब उस चीजों को लागू किया गया बच्चे, तो कहीं ना कहीं जो चीजें आपने बोला था वो चीजें तो हुई नहीं। तो एक तरह से क्या बोलना, झूठ बोलना मुझसे कि ऐसी चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं एक आधार पे तो आपने बोला कि मैं कल्याण करूंगा, जब उन चीजों को लागू किया गया तो कल्याण नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है ना कि मेरे विचार अलग हो जाएं। हाँ, अगर साम्यवादी विचारधारा से अगर कोई सबका कल्याण हुआ होता तो सोवियत संघ टूटता ही क्यों बच्चे, क्यों तोड़ते लोग, कहने का मतलब बिच। सिंपल सी बात है, तुम उसको मदद ही नहीं करोगे, तुम उसको मदद करोगे जो तुम जिसके जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हारे हितों की पूर्ति हो सकती है बच्चे, तुम उसके साथ जाना पसंद करोगे। उसके साथ क्यों जाना पसंद करोगे जिसके पास कुछ ही नहीं है। ठीक है, तुम देखते हो ना कि हस्बैंड अगर वाइफ है बच्चे परिवार के अंदर, उन दोनों के बीच में पहले तो विचार सेम होते हैं, लेकिन कहने का मतलब परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं बच्चे। परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं होती हैं। तो पहले शुरू में तो विचार मेरे मैच कर रहे थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि विचार हो सकते हैं कि परिवर्तित हो सकते हैं। भाई मैं मानव हूं, एक मैं बुद्धिजीवी व्यक्ति हूं, मेरे खुद के कुछ विचार हैं, तो परिवर्तन तो उसमें आ ही सकता है बच्चे। हाँ, और उस परिवर्तन की वजह से मैं बाद में हो सकता है कि मैं अलग हो जाऊंगा, पहले मैं साथ में हूं लेकिन बाद में मैं हो सकता है कि अलग। लेकिन जो संघर्ष पैदा हुआ है बच्चे, वो विचारों की वजह से ही संघर्ष आ रहा है। तो क्यों ना मैं अपने नए विचार लाकर, नए विचारों को निर्मित करके उस संघर्ष को मैं कम भी तो कर सकता हूँ बच्चे। यही सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज बोलती है कि विचारों के वजह से ही बच्चे क्या होता है, एक प्रकार का समस्याएं पैदा होती हैं, और उन समस्याओं को अगर हल करना है तो आपको एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा, नवीन विचारों को लेकर आना पड़ेगा, सही विचारों को रखना पड़ेगा, अपने आप समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो सकता है बच्चे। आई बात समझ में। परिस्थितियां अलग होंगी बच्चे, परिस्थितियां एक तरह से नहीं होती। समाज जो है वो गतिशील है, समाज जो है वो क्या है, गतिशील है। अब इस परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के संबंध क्या हो चुके होंगे, खराब हो रहे होंगे। अभी की जो परिस्थिति, जो संबंध पहले कोविड से पहले, कोरोना वायरस से पहले जो संबंध अच्छे थे, अब हो सकता है कि कोरोना वायरस के बाद से वो संबंध क्या हो, खराब हो बच्चे। लेकिन इस कोरोना वायरस में संबंध खराब हो और संघर्ष जैसी जो चीजें पैदा हो रही हैं, तो कोरोना वायरस में ऐसे कुछ विचारों का हम निर्माण करें, नए विचार लाएं जिससे कि संघर्ष जैसी चीजें पैदा ही ना हो। आई बात समझ में बच्चे। तो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज यही बोलती है कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या है, मानव विचारिक है, बौद्धिक निर्माण पे चीजें होती हैं। तो इन चीजों में, यानी कहने का मतलब ये है बच्चे कि जिस प्रकार से मानव के विचारों में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी तो परिवर्तन आ सकता है।
मानव के विचारों में परिवर्तन, अभी तुम्हारे विचार एकदम पूंजीवादी हैं, हो सकता है कि कल परिस्थिति कुछ अलग बनी, तुम्हारे विचार क्या हो गए, साम्यवादी हो गए। तो कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी तो विचार क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अरे भाई, पहले हम सोवियत रसिया के साथ हमारे संबंध क्या थे, बेहतर थे। आज तुम देखोगे सोवियत संघ के साथ भी हमारे संबंध बेहतर है और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध क्या है, बेहतर है बच्चे। तो कहीं ना कहीं विचारों में हमने एक परिवर्तन लाया होगा, हमने मान लेते हैं कि हमने एक विचारों में परिवर्तन लाए होंगे हम लोग, तभी अमेरिका के साथ हमारे संबंध बेहतर हो रहे होंगे, रसिया के साथ भी हमारे संबंध बेहतर इसलिए है बच्चे क्योंकि हम दोनों के साथ बैलेंस करके चलना चाहते हैं, हम किसी एक के साथ नहीं जाना चाहते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब जब विचारों में इतना परिवर्तन है, अंतरराष्ट्रीय विचारों में परिवर्तन आएगा तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी क्या होगा, संबंधों में भी परिवर्तन हमें दिखेगा बच्चे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी परिवर्तन दिखेगा। तो फिर जब इतना परिवर्तन हो रहा है तो उन सभी परिवर्तनों को बच्चे तुम व्यवहारवादी अप्रोच से, व्यवहारवादी सिद्धांतों से उसका कैसे विश्लेषण कर सकते हो, जो क्योंकि व्यवहारिक व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, जो व्यवहारवादी क्रांति थी उसमें बोला गया था कि चीजों का क्या करना, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। अरे स्थिर जो चीजें होती है उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, जिसमें रोज परिवर्तन आ रहा है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से। तो बोला सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ने बोला कि नहीं, तो व्यवहारवादी उपागमों की भी इसने आलोचना कर दी और जो सिस्टम थ्योरीज थी बच्चे उसकी भी क्या कर दी इसने, आलोचना कर दी। और इसने बोला कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण वैकल्पिक रूप में, सॉरी विश्लेषण वैज्ञानिक रूप में पड़ताल पर्यंत नहीं है, पड़ताल करना उतना पर्यंत और उतना उपयोगी नहीं हो सकता है बच्चे। आई बात समझ में, क्या समझा आप? हाँ करेंगे। अगर उसने पूंजीवाद के विचार भी, पहले वो साम्यवादी भी समाजवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था, लेकिन उस समाजवादी विचारधारा में परिवर्तन किया और कहा कि मैं निजीकरण को 80% तक निजीकरण करूंगा, 20% तक मैं क्या करूंगा, पब्लिक सेक्टर में रखूंगा। तो वहां पर भी पूंजीवादी विचारधारा उस देश को मदद करेगा बच्चे, जैसे 90 के बाद से भारत में तुम देख सकते हो, तो 90 के बाद कहीं ना बढ़ावा दिया गया। तो कहने का मतलब हमने अरे विचारों में परिवर्तन आया, और जो हमारे विचारों में परिवर्तन आया उसके लिए कहीं ना कहीं परिस्थितियां जिम्मेदार रहती हैं बच्चे। आई बात समझ में, जो परिस्थितियां होती है मतलब ये तो तुम्हें मैंने बता दिया, ये तो लिखा नहीं है वहां पे, लेकिन विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के वजह से ही आता है बच्चे, ठीक है ना। अगर ठीक है, ये आई बात समझ में, तो बाकी लड़कियों समझ में आया नहीं आया? यस सर, क्या समझ में आया आप लोगों को, क्या समझा आप लोगों ने सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज में अभी तक? हाँ, और दूसरा ये चेतना से, मानव चेतना से मिलते हैं, ठीक है। और मानव विचार, ठीक है, तो मानव विचार जो है बच्चे वो क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं बच्चे। मानव के विचार एक जैसे नहीं होते रहेंगे, वो फिक्स नहीं होता। अभी तुम्हारे कुछ विचार होंगे, थोड़े समय बाद तुम्हारे कुछ विचार हो जाते हैं, वो परिस्थितियां आ जाती हैं बच्चे। तो जब विचारों में परिवर्तन होगा बच्चे, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर विचार यूज हो रहे हैं तो वहां पे भी परिवर्तन देखा जा सकता है। जब वहां पे परिवर्तन होगा बच्चे, तो क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारवादी सिद्धांत के द्वारा विश्लेषण जो किया जाएगा बच्चे, और उसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होगा वो परिणाम सही होगा या कुछ गलत मिल सकता है उसमें? समझ में नहीं आया क्या आप लोग? मैंने ये बोला बच्चे कि अगर व्यवहारवादी जो सिस्टम थ्योरी है जो सिस्टम थ्योरीज एक प्रकार से क्या, जैसे केनेथ वाल्टर्स हैं बच्चे, उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया था, अंतरराष्ट्रीय संरचना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का केनेथ वाल्टर्स ने।
तो उस व्यवस्था वो क्या पूरा का पूरा वो तरीका जो है वो वैज्ञानिक तरीका है बच्चे। तो जहां इतना परिवर्तन हो रहा है बच्चे, क्या वहां पे वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण अगर किया जाएगा तो जो परिणाम तुम चाहती हो क्या वही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा, या परिणाम हट कर भी प्राप्त हो सकता है, हट के ही परिणाम अलग भी हो सकता है बच्चे। तो क्या सोशल कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी है बच्चे, जो सामाजिक रचनात्मक जो समाज रचनात्मक सिद्धांत है बच्चे, क्या उन्हें व्यवहारवादी क्रांति की आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो वो कर रहे हैं बच्चे। और व्यवस्था सिद्धांत जो है, जो सिस्टम थ्योरी है, उसकी आलोचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसकी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों सिद्धांतों में बच्चे साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशंस की बात हो रही है। आज तुमने कोई डेटा कलेक्ट किया बच्चे किसी विषय के बारे में, वही विषय कल भी था, लेकिन कल जो डेटा तुमने कलेक्ट किया उस डेटा में और आज के डेटा में बहुत परिवर्तन आ गया, तो रिजल्ट ही क्या हो सकते हैं, बहुत परिवर्तित हो सकते हैं ना बच्चे। इस वजह से क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से आलोचना की जाती है बच्चे, ठीक है। और इन जो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है बच्चे और इसके जो स्कॉलर हैं, ये मानते हैं कि समाज में जो असहमति है, ठीक है ना, जो असहमति है, डिसेंट जो लोग हैं और जो संघर्ष है बच्चे, उसका मूल कारण है संचार या बौद्धिक विचार विमर्श का अभाव। यानी कहने का मतलब, विचारों में विचार जो है बच्चे, उसका संचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है समाज में, तभी किसी विषय को लेकर एक तो असहमति है, और दूसरा बच्चे संचार सही तरीके से नहीं होने के वजह से बच्चे समाज में कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या हो रहा है, संघर्ष जैसी चीजें जो हैं वो क्या हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। आई बात समझ में? तो ये कहीं ना कहीं बौद्धिक कारण मानते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर किसी समस्या पे विचार और विमर्श किया जाए तो सिंपल सी बात है कि उस समस्या का समाधान निकल जाएगा, लेकिन अगर उस समस्या पे मैं विचार और विमर्श ही नहीं कर रहा तो क्या वो समस्या कभी हल होगी? नहीं। यही तो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज बोल रहा है कि इन विचारकों के अनुसार समाज में असहमति या संघर्ष का मूल कारण संचार या बौद्धिक विचार विमर्श का क्या है, अभाव है बच्चे। यानी एक तरह से आप किसी समस्या पे विचार और विमर्श कर ही नहीं रहे हो तो समस्या हल कहां से होगी? वो समस्या हल नहीं होगी, वो समस्या उसी रूप में क्या होगी, बनी रहेगी। और दूसरा बच्चे, ये जो रचनात्मक या संरचनात्मक जो सिद्धांत कारक है बच्चे, जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट हैं बच्चे, वो एक प्रकार से क्या करते हैं, रियलिज्म्स की भी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, यथार्थवाद की भी क्या करते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं आलोचना करते हैं, ठीक है।